दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे, एक तो HCS मेंस का जो आपका रिजल्ट आया था जिस पर मैंने वीडियो बनाया था उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उस दिन भी मैंने बात बोली थी कि इसको अगर विपक्ष अच्छी तरह से उठाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और HCS की भर्ती रद्द की जो मांग हो रही है उस पर बात करेंगे, और क्या आपका ये रिजल्ट है जो रिवाइज होगा या कैंसिल होगा, क्या चीज़ इसमें होगी, और जो बच्चे TO/ATO के लिए पूछ रहे थे उनके लिए वीडियो भी मैं बता दूंगा, और इलेक्शन तहसीलदार के लिए और जेल सुपरिटेंडेंट के लिए, और जो अदर स्टेट PCS की जो बच्चों ने कही थी कि अदर स्टेट PCS की तैयारी करना चाहते हैं या UPSC की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए वीडियो बना दो, उस भी बात करेंगे डिटेल में। पहले बात कर लेते हैं जो ये है, ये कटिंग है, ये भी मुझे किसी ने आज भेजी थी, दैनिक भास्कर की है ये। विपक्ष ने HCS एलाइड सर्विस की भर्ती परीक्षा परिणाम की जाँच की मांग की है। मांग तो होगी क्योंकि 100 पोस्ट आपको पता ही है, 100 पोस्ट के लिए था, 300 बंदे बुलाए जाने थे और इसमें से 61 ही बुलाए गए हैं, जो 45 की कंडीशन इन्होंने रख रखी है। अब इस मुद्दे को उठाया है, एक तो कांग्रेस ने उठाया, भाई प्रदेश कुमारी शैलजा ने इसको उठाया, भूतपूर्व में जो प्रदेश अध्यक्ष थी, ठीक है। इसने एक तो ये कहा है कि 40 से अधिक जो विभिन्न परीक्षाएँ प्रतियोगिता उसके पेपर लीक हो चुके हैं, और ये 61 वाली जो बात है हेरा फेरी इसमें वो आ रही। दूसरा है, आप पार्टी ने भी इसको उठाया है, सुशील गुप्ता ने HCS की परीक्षा की जांच की मांग की है। और दूसरा ये लिखा है कि इस युवा पढ़ लिख कर हताश हो, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, बिल्कुल 100% ये बात है। तीसरा है, इनेलो ने भी इस मुद्दे को उठाया, अभय चौटाला जी ने, उन्होंने भी ये कहा है कि इसमें ऐसी समस्या तो एक भी नहीं हो गई नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि 61 आपने बुलाए हैं, 100 आपकी पोस्ट थी, ठीक है, तो 45 से जो ऊपर होंगे वही जनरल की कैंडिडेट इसमें होंगे, तो ये चीज़ें बुलाए जाने थे 300 बच्चे, तो उसमें सभी आ जाते फिर, 3 गुणा का जो नियम है, ठीक है। तो उस दिन भी मैंने ये चीज़ कही थी कि देखिए, बिना वजह कोई चीज़ पे आरोप नहीं लगते, बिना वजह किसी चीज़ पे आरोप नहीं लगता। पहले भी जो आरोप लगे थे, जैसे जो HCS 2021 हुआ था, ठीक है, बाद में जांच में फिर उसमें अभी तक कुछ हुआ नहीं, वो पकड़े गए थे, एक दो बंदा ही उसमें पकड़ा गया था, ठीक है। तो बिना वजह आरोप नहीं लगते, जब आप गड़बड़ करते हो तभी लगता है। जब HCS का जो अभी जो चल रहा है, जिसमें मैंने PT में, जिस दिन PT में जो CSAT में क्वेश्चन रिपीट हुए थे, कोर्ट केस भी इस पर लगा हुआ है, ठीक है, उस दिन भी मैंने, उसी शाम को मैंने वीडियो बना दी थी कि इतने इतने क्वेश्चन आप रिपीट कर रहे हो, 32 से 38 जो भी थे, मैंने सबसे पहले उस दिन ये वीडियो बना दी थी, इतने क्वेश्चन आप ढंग से एक पेपर भी नहीं बना सकते क्या, ये चीज़ें समझ में नहीं आती, समझ से बाहर है। तो बिना वजह आरोप नहीं लगते, कोई बात होती है तभी आरोप लगते हैं। यहां 300 बच्चे बुलाए जाने थे, ठीक है, 61 कैंडिडेट आप बुला रहे हो, और सीरियल मैंने आपको उसमें रोल नंबर दिखाई दिए रिजल्ट में, आप खुद भी उनमें चेक कर सकते हो, तो आरोप तो इस पर लगेंगे। अब ये इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मेंस पे ज़रूर कुछ होगा, पूरी भर्ती प्रक्रिया पे तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर भ्रष्टाचार की बातें सामने आती हैं, ये चीज़ें जांच होती है इसकी, तो ये मेंस का तो भाई या तो रिज़ल्ट रिवाइज होगा आपका, या रिज़ल्ट मेंस दोबारा से होगा, जो भी होगा, ठीक है, रिवाइज हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है इसमें। बाकी जो भी है वो भविष्यगत में है बात, क्या इसमें होगा, कैंसिल तो नहीं कर सकता, लेकिन समस्या ये है कि दोबारा फिर वही चीज़ें हो जाएंगी। ये जो कंडीशन इन्होंने रख रखी है ये ख़त्म होनी चाहिए, और बार बार ये चीज़ें होंगी तो कौन युवा जो एग्ज़ाम की तैयारी करेगा हरियाणा में। खैर, बात कर लेते हैं TO/ATO की। भाई TO/ATO के वीडियो आपको जल्दी मिलेंगे, हालांकि मैं चाह रहा था कि इसका सिलेबस ऑफिशियली जारी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जो बच्चे वो कह रहे हैं कि जो थर्ड पेपर है जिसकी, उसकी वीडियो आपको मिल जाएंगे, वो आपको किसी तरह की टेंशन इसमें नहीं लेनी है। और जो अभी आपका एग्ज़ाम है अगले महीने, इलेक्शन तहसीलदार वाला और जो जेल सुपरिटेंडेंट वाला है, तो ठीक है, उसके लिए वीडियो अगर आपको अलग से चाहिए तो मैं बढ़ा दूंगा। बाकी पॉलिटी की वीडियो तो मैं डाल ही रहा हूँ, ये बीच में एक दो दिन ख़राब हो गए, वो आपको मिलते रहेंगे। पॉलिटी के MCQ क्वेश्चन अभी डालने हैं मुझे, क्योंकि आपके जो फंडामेंटल राइट हैं पूरे के पूरे ख़त्म हो चुके हैं, उसकी वीडियो आपको मिल जाएंगे। और दूसरा है, जो बच्चे कह रहे हैं कि UPSC या अदर स्टेट PC या किसी का भी आप कह रहे हो, UPPCS का आप बता रहे हो, क्योंकि वन लाइनर UPPCS में क्वेश्चन उसकी तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और हर साल वो निकलता है एग्ज़ाम, हर साल ये निकलता है, ठीक है। तो इस पर अगर आपको तैयारी कैसे करनी, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा अलग है, सिलेबस भी अलग है, तो इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, उस पर मैं वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है जी। बाकी पॉलिटी के वीडियो आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही, और क्वेश्चन भी उनके मिलते रहेंगे। इस पर अलग से आपको वीडियो चाहिए या अलग से किसी तरह की क्लास चाहिए तो वही कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूँगा, उसी हिसाब से आगे काम करेंगे इस पर, ठीक है। तो मेंस के जो बच्चे इसके उसमें हैं, इंतजार में है इसका रिजल्ट रिवाइज होगा, तो कुछ ना कुछ तो इसमें भाई ज़रूर होगा, भर्ती रद्द तो नहीं होगी ये तो अभी ज़्यादा कहना ठीक नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं इस पर जाँच तो जरूर होगी, विपक्ष इसको उठाएगा अच्छी तरह से, क्योंकि कोर्ट वाला जो मैंने आपको मामला बताया था 45% वाला, तो वहाँ HPSC को बचने का बहुत आसान तरीका है।
2 3 साल में भर्ती आती है, अभी पिछले टाइम से नहीं कर रहा है, 2024 के बाद मुश्किल ही है। अभी मैंने आपको बताया था कि नवंबर दिसंबर में तो वो तो आएगी नो आएगी, और अभी इसमें भी 61 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, 31 रह गए हैं, तो वो प्लस उसमें हो जाएंगे, तो भर्ती तो अच्छे से आएगी। लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा तभी है ना जब पारदर्शिता हो, जब पारदर्शिता ही नहीं होगी किसी चीज़ में तो वैकेंसी आने का और पीटी निकालने का कोई मतलब नहीं रह जाता इस चीज़ में। खैर, और इसमें जो भी कुछ होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। बाकी आपका कोई सुझाव या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, या आपकी कोई किसी और चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।